बीते दिनों पहले शहर के गौरैया तालाब के किनारे बसे एक परिवार के मुखिया को छत पर बंदरों ने खदेड़ लिया था, जिससे उसकी छत से गिरकर मौत हो गई थी। परिवार के मुखिया की मौत के बाद बेसहारा परिवार अपने दिन मुफलिसी में गुजारने को मजबूर हो गया था। लेकिन जब उनके दर्द को तेजस खबर के माध्यम से लोगों ने देखा, तो शहर के समाजसेवी लालजी शुक्ला ने बेसहारा परिवार के घर पर जाकर उस दुखी व निर्धन परिवार को खाने का राशन व कुछ आर्थिक मदद देकर उनका हाल चल जाना। फिलहाल तेजस खबर के माध्यम से एक जरूरतमंद परिवार को मदद मिली है। सबसे पहले तो मैं तेजस को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि ये खबर आपने ही बहुत अच्छे से ब्रेक की थी। मैंने वो खबर देखी जब डिजिटल पटल पे, तो मैं बहुत द्रवित हुआ कि चलो मीडिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जमीन के आखिरी आदमी तक पहुँचते हैं, उनका दर्द उकेरते हैं। तो वो इनके यही दोनों बच्चे हैं बेचारे। इनके पिता का देहावसान हो गया था 4-5 दिन पहले, मेरे घर से घर जुड़ा हुआ है, तो मैंने देखा था वो पूरा सीन कि बंदरों के दहशत से आकर के इनके पिता जो है वो जमीन पर गिर गए थे और एक दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। अब इनके सामने खाने पीने का संकट है। प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। मैंने पर्सनली, चूंकि थोड़ी बहुत पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, मैंने सारे ग्रुप्स में डाला, अधिकारियों के संज्ञान में लाया, कोई सक्रिय नहीं हुआ। ऐसे में हमारे बड़े भैया लालजी शुक्ला साहब जो लगातार ये काम कर रहे हैं, गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं, पैकेट पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं भैया आपको इस बात के लिए कि ये जो आदमी के घर तक जाकर के, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है। आदमी कहाँ पे जरूरतमंद है, जैसे ये कॉलोनी है तो ये तालाब को देख के कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन इनको पता है कि इस दीवार के ठीक पीछे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, उनको वितरित किया। और मैं इंडिविजुअली आई एम थैंकफुल कि इन बच्चों के लिए, जिनकी माँ अभी अपने किस काम से बैंक गई हुई है, इन बच्चों का भी सोचा और इनको बुला करके ये सब सामान भी दिया, कुछ नगद धनराशि भी दी है। मेरा ख्याल है कि उतने में इनका महीना कट जाएगा, इतना पैसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।